जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति कोशिश करते हैं कि उन्हें आसानी से मिले, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है सक्सेस नंबर्स, लेकिन अपने सक्सेस नंबर को आप कैसे स्ट्रांग बनाएं, क्या कर सकते हैं, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टे विद मी। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी और वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपके सक्सेस नंबर को आप कैसे स्ट्रांग बनाएं। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन और अगर किसी चीज़ में आपको यकीन नहीं है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र है, वो एक कुछ छोटी सी बातें जिसमें आपका खर्च नहीं होगा लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ेगा आपको, तो क्या कर सकते हैं। उसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार को जो मैं एपिसोड्स आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में शेयर करती हूँ आप तक पहुँच सके। अब आज है सक्सेस नंबर। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर किया, ये वो एक नंबर है, अगर आप जानते हैं, सिर्फ इसका ही आपने ध्यान रखा तो आपको जीवन में कामयाबी मिलती है क्या। मान लीजिए 8 मई को आपका जन्म हुआ, आपने पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ा आया साथ, तो आपको निकालना है वो नंबर जिस दिन आपका जन्म हुआ और आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से जो अंक आया, छोटे अंक को बड़े में से घटा दें तो जो नंबर आया वो है नंबर जिसका मैं कहूंगी कि आपका ब्रिज नंबर है, ग्रोथ नंबर है, सक्सेस नंबर है, आपको कामयाबी देगा, वन ऑफ द सक्सेस नंबर्स। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ और आपकी जन्म तिथि को जोड़ने से जो अंक आया, अगर आप घटा दें तो जो बचा वो नंबर है आपका सक्सेस नंबर। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे किसी का जन्म हुआ 23 अप्रैल 2001, 23 को घटाएं तो आ गया 5, इस पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ा तो आया 3, 5 में से 3 घटाया तो आया 2, तो ये है उनका सक्सेस नंबर, ग्रोथ नंबर, ब्रिज नंबर। किसी का जन्म हुआ हो 4 जनवरी 2006, 4 को जन्म हुआ और 4 आया तो यहाँ आ गया 0, इसका मतलब ये है कि उनको जीवन में कामयाबी आसानी से मिलेगी। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी कौन सी कमी उनको दिखती है उसमें सुधार लाएं। तो अब मान लीजिए ये आया नंबर 1, तो अगर आपका ये ग्रोथ नंबर, ब्रिज नंबर आया 1, तो आप क्या करें, आप कोशिश करें कि इसको स्ट्रांग बनाएं। तो ये बताता है कि आपको जीवन में निर्णय लेने में प्रॉब्लम आती है, आपको खुद पर भरोसा कम है, एम्बिशन की भी कमी है, घबराते हैं आप, तो वो हिम्मत आप में कैसे आए कि आप अपना निर्णय ले सकें। अपने बात पर जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको भरोसा हो कि आप वो कर लेंगे। सिंपल सा उपाय है, पीले रंग का या कॉपर कलर का या हल्का कहूँगी ऑरेंज रंग का अपने पास हमेशा एक रुमाल रखें। ये रंग एक से जुड़े हुए हैं, सूर्य के रंग हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस देंगे। जॉब पे हैं तो जहाँ पे बैठते हैं उस चेयर के ऊपर आप एक टॉवल रख सकते हैं हल्के पीले रंग का या हल्का ऑरेंज कलर का या कॉपर कलर का, नहीं तो रुमाल रख लीजिए। कोई 100 लोग पूछें उससे अच्छा बताने की ज़रूरत ही नहीं। ये वो अंक है जो आपको हिम्मत देगा, और हो सके तो रविवार को आप अगर व्रत रख सकें तो अच्छा, ना तो कम से कम एक वक्त नमक ना खाएं। ये था नंबर 1 का। अगर यही आपका सक्सेस नंबर आया 2, तो ये आपको बताता है कि आपको जीवन में कामयाब होने के लिए लोगों के साथ मिलके चलना पड़ेगा। आप लोगों की बात भी सुने और समझें, केवल अपनी बात ही ना मनवाएं, और मिलके साथ चलने के लिए अब आप क्या करें, सिंपल। अगर आप में आपको ऐसा लगता है आप सोचते बहुत हैं कर नहीं पाते, तब हल्के ग्रीन रंग का रुमाल रखें अगर आपका सक्सेस नंबर है 2। और अगर आपको एंजाइटी बहुत होती है, नर्वसनेस बहुत होती है, तब आप हल्के पीले रंग का रुमाल रखें, और नहीं तो अगर नंबर 2 है सिर्फ सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास रखें। तो ये वो नंबर हैं जो आपकी एनर्जीज को स्ट्रांग करेंगे, आप में हिम्मत देंगे कि जो कमी थी वो पूरी होने लगे। अगर नंबर 3 आया तो हल्के रंगों का इस्तेमाल करें अपने जीवन में, कहूँगी हल्का हरा रंग करें, आपके लिए ठीक है, लाइट पिंक भी आप रख सकते हैं, हल्का पीला रंग का भी रुमाल रख सकते हैं। और अगर 4 आया तो आप हल्का भूरा रंग या सफ़ेद रंग या हल्का नीला, लाइट ब्लू या खाकी ग्रे कलर का आप रुमाल अपने पास रख सकते हैं। हैं तो रंग, लेकिन ये वो अंक है जिस दिन आपका जन्म हुआ और जो आपका लाइफ पैथ नंबर है उसकी कमी को बता रहा है कि ये आपको ईश्वर ने दिया, यहाँ आपको पहुँचना है, लेकिन यहाँ पहुँचने में
जो अड़चने आ रही हैं वहां तक पहुंचे कैसे, ये नंबर आपको मदद करेगा। सक्सेस नंबर है, ब्रिज नंबर है, ग्रोथ नंबर है, बैलेंस नंबर कह लीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा यहां से यहां पहुंचने में। अब अगर अंक 5 है तो आप हरे रंग का इस्तेमाल करें, लाइट ग्रीन कलर, लाइट वाइट, लाइट येलो, ऑफ वाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 आया है तो सफ़ेद रंग, हल्का पीला रंग, लाइट ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट पिंक भी। नंबर 7 है तो कहूँगी कि लाइट ग्रे, लाइट वाइट और लाइट ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे रंगों को आप रुमाल में आएँ, अपने पॉकेट में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये वो अंक हैं जो आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अब अंक 8 है, काले रंग का इस्तेमाल ना करें, हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, ब्राउन डार्क भूरा रंग ना करें, लाइट ब्लू कर लें, लाइट ग्रीन कर लें, अच्छा रहेगा। हुआ जो आपकी लाइफ पाथ का नंबर है, यहाँ से वहाँ पहुँचने में ये जो दूरी है उसको ब्रिज करता है ये नंबर, सपोर्ट करेगा। कमी है तो ये अंकों से पूरी की जा सकती है। नंबर 9 है चाहे 8 है, मैंने आज आपके साथ ये सॉल्यूशंस शेयर करे रंगों से जुड़े, क्योंकि मैं मानती हूँ सोच पर, जैसे किसी कमरे में आप जाएं गाढ़ा रंग होता है तो अचानक से आपको उलझन होती है, तो ये रंग, वो रंग आप इस्तेमाल करें जिसकी कमी है आपके अंकों के हिसाब से। कमी सर विटामिन ई की है तो डॉक्टर यही बोलेगा ना, विटामिन ई लो, ये थोड़े बोलेगा आयरन ले लो, या ये नहीं कहेगा सारे विटामिंस ले लो। तो जो कमी है उन्हीं नंबर्स के सॉल्यूशंस केवल आप करें, और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको इन सॉल्यूशंस के क्या फ़र्क पड़ा। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।